नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ कृष्णकांत यादव जी हैं जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में। कि आप लोग को कंप्लीट डिटेल में बताएंगे कि ये गाजीपुर से कितने बजे निकले और कौन सा ट्रेन या कैसे बस वगैरह के थ्रू ये कैसे यहाँ पे आए और कितने बजे पहुँचे, फिर ये कहाँ स्टे किए, फिर ये कितने बजे यहाँ पे दिल्ली डिवीजन में आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर इसका कितने बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ और कितने बजे तक चला और अंदर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, उसके बाद भी कुछ सवाल रह जाएगा तो हम लोग इनसे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो कृष्णकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और जो भी बच्चे अभी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उनके हेल्प के लिए इन्होंने टाइम निकाला। तो अगली आवाज़ कृष्णकांत जी की। सर, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते वक्त पहले इंटरव्यू में अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना था, फिर उसके बाद एक फॉर्म दिए तीन पेज का, तीन उसमें अपना लिखना था, सब डिटेल्स भरना था, उसमें आई डी या जैसे करना होता है कि यदि मेरा कुछ गड़बड़ता है तो मेरी कैंडिडेट रद्द किया जाता है, वो दिए। फिर उसके बाद डायरेक्ट वो समय ऑपरेशन हुआ, फिर और जो कुछ करना था, फिर उसके बाद हम लोग सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आलम दे दिए। उसके बाद वहाँ वही सब सब डॉक्यूमेंट चेक हुआ एक सीरियलाइज। तो आज टोटल कितने बच्चों को बुलाया था इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? साठ ना सिक्सटी सिक्सटी उसमें से कुछ एबसेंट भी थे? हाँ, एक आध बच्चे का बताया रहा, आधार स्टूडेंट बता रहे कि बच्चे एबसेंट थे। हाँ, एक आध जो और किसी बच्चे का बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हुआ? हुआ था तो दो तीन बार किए बायोमेट्रिक, एक आध दो बार में यदि नहीं ले रहा था तो दो तीन बार में एक्सेप्ट कर ले रहा था। आपको बायोमेट्रिक में कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं सर। आपका एक बार में 100% हो गया? हाँ, हो गया। दोनों CBT PET दोनों? हाँ सर। लेफ्ट थंब दिया था हमने, राइट थंब? राइट लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब, अच्छा। और आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया गया, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया गया? मेरा हाई स्कूल का था ओबीसी सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, हाँ आधार कार्ड का आईडी हो गया, फिर अप्रेंटिस का। आपके सर्टिफिकेट वगैरह में कहीं कुछ प्रॉब्लम भी थी? नहीं सर, मैं दिक्कत क्या थी सर, मैं किया था तो रेलवे अदर देन रेलवे से, मेरा जलनिगम से अप्रेंटिस था, तो यहाँ तो मेरा मतलब वहाँ जो CCAA होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एडमिट कार्ड में दिया था यस, वहाँ पर मेरा यस दिया था, तो यहाँ पर क्या किए वो से काट दिए, फॉर्म भरते वक्त जो फॉर्म हम लोग को 3-4 दिए थे तो उसमें वो काट दिए उसे। और तो आज केवल अप्रेंटिसशिप वालों का वो है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ सर, आज केवल अप्रेंटिसशिप वालों का। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ, तो आपका मतलब कि पहले से कोई मिस्टेक नहीं था, आपने कोई एफिडेविट करवा के नहीं लाया था, कोई FIR वगैरह करवा के नहीं लाया था? नहीं सर, मेरे पास सब। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको कैसा फील हो रहा था और अभी कैसा फील हो रहा है? क्या सर ठीक है सब बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। अच्छा, और जो बच्चे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ दिल्ली जोन में आने वाले हैं या इंडिया के अदर किसी जोन में जाने वाले हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं हो रही सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो भी डॉक्यूमेंट करना आया यदि कुछ गड़बड़ है तो अच्छा एफिडेविट बना के आ दिया। तो डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई भी कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि अदर किसी जोन में सुनने में आ रहा है कि सामने में कंप्यूटर पे उस बोर्ड पे वेबसाइट पे जाकर के चेक करते हैं रेफरेंस नंबर डाल करके, हाँ ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है, तो दिल्ली जोन में वैसा कुछ हो रहा है? नहीं सर, उसका नहीं है, ऑनलाइन नहीं चेक कर रहे हैं सर, सामने अपना डॉक्यूमेंट देते जाइए और सब चेक कर रहा है। आप कौन से कैटेगरी से, जनरल या ओबीसी? ओबीसी। ओबीसी में तो आपका सर्टिफिकेट क्या रेलवे के फॉर्मेट पे था? हाँ, मैं तो दोनों बनाया था, ओबीसी सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनता है वो भी था और रेलवे फॉर्मेट भी बनाया था। अच्छा, तो आपने कौन सा यहाँ पे जमा दिया? सर लिए तो दोनों ले लिए। हाँ। दोनों का जेरोक्स? हाँ, दोनों का जेरोक्स। ओरिजिनल आपके पास होगा? हाँ, दोनों का ओरिजिनल है। अच्छा, और फोटो को लेकर के बच्चों में इशू हो रही है, तो फोटो कौन सा ले रहे, जो फॉर्म भरते टाइम आपने दिया था वही वाला कि दूसरा फोटो भी चल रहा है? सर दोनों चल रहा है, फॉर्म भरते वक्त वाला भी और यदि दूसरा है तो दूसरा भी चल रहा है, कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं। अच्छा, और जो फॉर्म भरते टाइम कुछ डिटेल दिया हम लोगों ने, मान लो उसमें जैसे कुछ मिस्टेक हो गया एड्रेस वगैरह में या कहीं पर रोल नंबर के जगह सर्टिफिकेट नंबर दे दिया, तो क्या वैसे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है? सर इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि बारे में पता नहीं है, ऐसे मेरे साथ नहीं है। आपकी सारी डिटेल सब कुछ सही थी? हाँ, मेरा सब कुछ सही था। अच्छा, तो आपका रिटर्न में कितना नंबर आया था, और जो भी बच्चे भी ग्रुप डी के फिर से वैकेंसी आई है तो उसमें भी कंपटीशन काफ़ी टफ है, जैसे कि आप लोगों के टाइम भी
2 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ था, 2 करोड़ में मात्र 60,000 वैकेंसी थी। इस बार भी लगभग 1 लाख वैकेंसी और 1.25 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो आपका कितना स्कोर था, आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था, और जो बच्चे भी ग्रुप डी की फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप उनको क्या सलाह देना चाहिए, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? तैयारी का सर सभी करते हैं, उसमें क्या है, सभी लोग करते ही है तैयारी। आपका कितना नंबर था? मेरा 76। आप सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किए थे, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके में? मैथ। उसके बाद मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस साइंस था। तो आपको क्या लगता है कि आप सबका सबसे ज़्यादा स्कोर मैथ और रीजनिंग में ही आया होगा? अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे इस पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को? आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे रेलवे को? 10 में पूरा नंबर देना। कोई दिक्कत हुआ है नहीं? कहाँ नंबर काटेंगे ना? नंबर क्या काटेंगे? नंबर क्या काटेंगे, पूरा का पूरा नंबर देंगे जैसे रेलवे ने हमें पूरा दिया है। हाँ, वही ना। तो और आगे का आपका कोई फ्यूचर प्लानिंग, या अभी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग ही करनी है? नहीं सर, मेडिकल सोमवार को मेडिकल देना है। अब पुरानी दिल्ली मेडिकल बुलाया है सोमवार को। तो मेडिकल के लिए आपने कुछ तैयारी की है? मेडिकल के लिए तैयार क्या सर, क्या चेक करेंगे वहाँ पर, जैसे जैसे होगा वहाँ पर जाने पता चलेगा। कुछ नर्वसनेस वगैरह तो नहीं है मेडिकल को लेकर के? नहीं सर। अच्छा, और आपने और कोई फॉर्म फिलअप किया अभी रेलवे के, जैसे वैकेंसी आई हुई है ग्रुप डी की, एनटीपीसी की? हाँ सर, दोनों ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों। ये आप ग्रुप डी की एग्जाम देनी है कि नहीं, अब तो नौकरी लग गई इधर वाली? सर देने का है, अब दे देंगे। ईएलपी का है सर, ईएलपी का देना है। अच्छा अच्छा, और आपकी 10 को इधर मेडिकल की डेट मिल गया, 10 को साइको है, तब क्या करेंगे आप? नहीं सर, मेडिकल तो 5, 6 को रिपोर्टिंग करना है ना, 6 को आपको वो डेट देंगे कि आपको मेडिकल कब? सोमवार को है। हाँ, सोमवार को तो 5 है। 5 है तो 5 ही को है मेरा। तो 5 को है नहीं, 5 को वो डेट देंगे कि आपकी होगी कब, वहाँ पर जाने की। हाँ, वो हमारे चैनल पर वीडियोज देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मेडिकल की, दिल्ली मेडिकल का भी वीडियोज अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर बच्चे देख सकते हैं। ठीक। अच्छा, और आप मतलब कि यहाँ पे मॉर्निंग में कितने बजे आए थे आप? मैं तो आ गया था 7:30 बजे। 7:30 बजे। और कितने बजे प्रोसेस स्टार्ट हुआ? वो 9:30 बजे कई बार 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। अच्छा, और कैंटीन वगैरह गए थे यहाँ पे आप नाश्ता वगैरह करने के लिए? नहीं सर, मैं बाहर ही करते हैं। लंच कर सकते हैं कैंटीन में सर, जो भी बच्चे दिल्ली में आ रहे हैं तो वो मतलब कि रेलवे कैंटीन को यूज कर सकते हैं, अंदर में काफ़ी सस्ता में अच्छा खाना मिल जाता है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों का? थैंक यू बोल देता हूँ। चलिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और अपना टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत।